ये आकाशवाणी है। अब आप अतः सहित से समाचार सुनिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना तथा कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध बना हुआ है। दोनों गठबंधन अपने तालमेल को बरकरार रखने की कोशिशों में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को नया प्रस्ताव भेजा है और 288 सदस्यों की विधानसभा में 130 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। महाराष्ट्र के लिए भाजपा प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने नई दिल्ली में कहा कि यह बहुत ही उदार प्रस्ताव है और उन्हें आशा है कि शिवसेना इस पर विचार करेगी। दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कोर समिति ने भी कांग्रेस के साथ बने रहने का फैसला किया है। हालांकि उसने 124 सीटें देने की कांग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने की बात दोहराई है। इस बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्य के मंत्री संजय सावकरे और पार्टी विधायक किशन कठोर कल मुंबई में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ सीट बंटवारे को लेकर बना गतिरोध दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि यदि गठबंधन टूटता है तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। उधर हरियाणा लोक हित पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए कल 34 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। पार्टी अब तक 40 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है और अगले 2 या 3 दिन में बाकी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर देगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि केंद्र अगले बजट सत्र से पहले उन शहरी क्षेत्रों की पहचान शुरू कर देगा जिन्हें स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जा सकता है। कल मुंबई में एक वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र इस बारे में राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों को विकसित करने के इच्छुक संगठनों सहित सभी संबद्ध पक्षों से विचार विमर्श कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक 100 स्मार्ट शहरों को विकसित करने की परिकल्पना की है। स्मार्ट शहरों को विकसित करने की ये योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का स्थान लेगी। सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का पहले ही से बैंक में खाता हो उन्हें प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभ उठाने के लिए एक और खाता खोलने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं, लेकिन मौजूदा खाता धारकों को इस योजना के अंतर्गत बीमा संबंधी फायदे प्राप्त करने के लिए रुपए डेबिट कार्ड लेने के लिए बैंक की संबद्ध शाखा में आवेदन करना होगा। मौजूदा बैंक खातों के लिए भी 5,000 रुपए की लघु ऋण सीमा उपलब्ध कराई जा सकती है। अब तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 4,18,00,000 खाते खोले जा चुके हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाग लेने आज शाम अमेरिका रवाना होंगी। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगी। श्री मोदी इस महीने की 26 तारीख को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि श्रीमती स्वराज G4 सार्क भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका G77 और ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों सहित अन्य कई बैठकों में हिस्सा लेंगी। श्रीमती स्वराज ब्रिटेन के विदेश मंत्री फिलिप हेमंड से भी पहली बार द्विपक्षीय बातचीत करेंगी। वे 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित अहिंसा दिवस में भी उपस्थित रहेंगी। असम और मेघालय के कई जिलों में भारी बारिश से आई बाढ़ के कारण 11 लोग मारे गए हैं और कई बेघर हो गए हैं। मेघालय में कम से कम 7 लोग मारे गए हैं। 100 से ज्यादा गांव और 1,00,000 से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मेघालय की बाढ़ के कारण असम के कामरूप, ग्वालपाड़ा और धुबरी जिलों में हालात बहुत खराब हो गए हैं। दक्षिण कोरिया में 17वें एशियाई खेलों में आज 4थे दिन निशानेबाज अभिनव बिंद्रा पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में निशाने साध रहे हैं। टीम स्पर्धा में अभिनव के साथ रवि कुमार और संजीव राजपूत हैं। अभिनव का ये आखिरी एशियाई खेल है। इन खेलों के बाद अभिनव ने पेशेवर निशानेबाजी से संन्यास की घोषणा कर दी है। स्क्वाश में पुरुष फाइनल में सौरभ घोषाल स्वर्ण पदक के लिए अब्दुल्ला मुजाहिद से मुकाबला करेंगे। टीम स्पर्धा के ग्रुप बी से भारत का मुकाबला जॉर्डन से होगा। वेटलिफ्टिंग में पुरुषों के 77 किलोग्राम वर्ग में सतीश कुमार शिवालिंगम और आर रवि कुमार की चुनौती है। महिलाओं के 63 किलोग्राम वर्ग में पूनम यादव वजन उठाएंगी। पुरुष हॉकी में पूर्वी में भारत का मुकाबला ओमान से होगा। दुर्गा पूजा उत्सव में देवी पक्ष के आगमन का सूचक महालया आज प्रारंभ हुआ। आज सवेरे से ही बड़ी संख्या में लोग विभिन्न नदियों के घाटों पर अपने दिवंगत पूर्वजों को तर्पण कर रहे हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।